अगर आज आप कोई अच्छी सी वीडियो देखने के मूड में थे जो बहुत पॉजिटिव होती, बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल होती, तो ये वीडियो वैसी नहीं है, आपका दिल टूट सकता है। इस वीडियो में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि बिल्कुल सच है अबाउट यूट्यूब, तो इस वीडियो को आप स्किप कर सकते हैं। हम कल मिलेंगे दूसरी वीडियो में इंशाल्लाह। लेकिन उन लोगों के लिए जो वाकई यूट्यूब चैनल को बहुत टाइम से लेकर चल रहे हैं स्ट्रगल के साथ, बट वो अभी तक सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं, या बहुत सारे जो कि सक्सेसफुल हो चुके हैं, उन सब से रिलेटेड आज ये वीडियो है, तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हुदैफा फातिमा है, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। इस चैनल का एम ये नहीं था कि मैं आपको एक सक्सेसफुल यूट्यूबर की तरह एक जर्नी बताऊं और साथ में आपको ये बताऊं कि आप भी ये कर सकते हो, डेफिनेटली वो एक अच्छी चीज़ है अगर मैं ऐसा करूं तो, बट रादर इसका एम ये था कि जो मिस्टेक्स मैंने की हैं, जो गलतियां मुझसे हुई हैं मेरे प्रीवियस चैनल पे या इससे पहले की यूट्यूब जर्नी पे, जो भी गलतियां करके अपना टाइम वेस्ट किया है मैंने, तो वो सारी चीज़ें आप लोग ना करें, वो सारी गलतियां आप लोग ना दोहराएं, आप लोग भी अपना वक्त, कीमती वक्त उन गलतियों के साथ वेस्ट मत करें। सो बेसिकली इस चैनल का जो इंस्पिरेशनल कंटेंट है वो बेसिकली सक्सेस से ज्यादा फेलियर पे डिपेंड करता है मेरी। अब आपने देखा होगा बहुत सारे लोग यूट्यूब पे सक्सेसफुल हो जाते हैं, बहुत सारे लोग बीच में होते हैं, लाइक हमेशा स्ट्रगल करते रहते हैं। हर किसी के लिए यूट्यूब डिफरेंट है, सबके लिए एक जैसा नहीं है, किसी के लिए हार है, किसी के लिए जीत है, किसी के लिए मुस्तकिल काविशें हैं, क्योंकि YouTube बेसिकली एक इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट आपके स्किल्स की, पैसों की, टाइम की, इमोशंस की, हर चीज की इन्वेस्टमेंट आपने करनी है। और हम में से जो लोग इस चीज को समझ जाते हैं कि हमें कौन कौन सी चीजें कब कब YouTube पे इन्वेस्ट करनी है, दे विल बी सक्सेसफुल, कोई फेल ही नहीं होगा। लेकिन यही तो प्रॉब्लम है कि हर कोई समझ नहीं पाता है इन चीजों। यू कैन टेक मी एज एन एग्जाम्पल, क्योंकि जब मुझे समझ में नहीं आया था तब तक मेरा चैनल फ्लॉप था, जब मुझे समझ में आया है मेरा चैनल चल गया है। ठीक है, ये समझने वाली बात है कि आपने अपने वक्त को कैसे यहाँ पे इन्वेस्ट करना है, आपने कौन कौन सी चीजों को यहाँ पे इमोशनली अवेलेबल होना है ऑडियंस के लिए, अपनी कम्युनिटी को बिल्ड करने के लिए, ये सब कुछ आपको देखना पड़ता है, आपको डिसाइड करना पड़ता है, आपको प्लान करना पड़ता है। ठीक है, तब जाके आप यूट्यूब पे कामयाब होते हो। और यहाँ पे ना दो तरह की चीजें होती हैं, एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी। अब ये एक्सपेक्टेशन क्या होती है जो हम यूट्यूबर्स एक्चुअली लगा रहे होते हैं, वो ये कि एक कॉन्टेंट है जिसे किसी एक बड़े क्रिएटर ने बनाया, एक फेमस क्रिएटर ने बनाया है वो कंटेंट, और उनका वो कंटेंट चल गया है। ठीक है, और अब वही कंटेंट अगर हम कॉपी करना चाहें, फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी बड़े यूट्यूबर का कंटेंट उठा के एज इट इज उस पर वैसी ही वीडियो बनाती हूँ, किसी एक वायरल से टॉपिक पे जो कि अभी नया नया वायरल हुआ है, और मैं उस पर वीडियो बनाती हूँ, लेकिन वो मेरी वीडियो नहीं चलेगी। अगर उन्होंने मिलियन ऑफ व्यूज गेन कर लिए उस एक वीडियो पे, तो जरूरी नहीं है कि मैं भी उसी टॉपिक पे अगर बनाऊं, वैसा ही बनाऊं, तो मेरी वीडियो भी चल जाए। रिसेंटली इकरारुल हसन ने, इकरार भाई ने एक वीडियो बनाई है, व्हिच इज किसी पीर बाबा पे कोई वीडियो बनाई हुई है उन्होंने, वो काफी वायरल चली गई है, दो चार दिन पहले अपलोड की है और मिलियंस पे उसके व्यूज हैं। अगर मैं उनकी वीडियो अपने चैनल पे लगा देती हूँ और उसको अगर अपलोड करती हूँ, तो मुझे वो व्यूज नहीं मिलेंगे जो उनको मिले हैं, बेसिकली वो उनका कंटेंट है। ठीक है, हमें इससे कोई फायदा नहीं होता है। अगर व्यूज आते भी है ना बेसिकली, तो वो उस पर्टिकुलर वीडियो के टॉपिक की वजह से आपके पास आ रहे होते हैं, वो आपको नहीं देख रहे होते। सीरियसली, वो जो ऑडियंस होती है जो आपकी उस वीडियो पे अगर आ भी जाए, तो वो आपको नहीं देखने आती है, वो उस पर्टिकुलर वायरल टॉपिक को देखने के लिए आती है। इसके बाद आप जितनी भी वीडियोस अपलोड कर लें, वो आपको नहीं देखेंगे, दे आर नॉट गोना वॉच यू, क्योंकि दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन यू, वो तो उस वायरल टॉपिक पे इंटरेस्टेड थे तो आपने वो बनाई। बट कभी कभी ऐसा नहीं होता, उनकी वीडियो चल गई, जरूरी नहीं है आपकी चले, आपकी वीडियो नहीं चलती और इस तरीके से चैनल फ्लॉप हो जाते हैं। सो दिस इज कॉल्ड एक्सपेक्टेशन बेसिकली। जबकि रियलिटी क्या होती है, रियलिटी ये होती है कि ये ना सोचे कि आप जो भी बना लेंगे कोई भी उसको देख लेगा, रादर देन आप प्लान करें अपना कंटेंट, आप वैल्यू प्रोवाइड करें ऑडियंस को, आप बैठ के प्लान करें, स्क्रिप्ट लिखें, आप देखें कि आपकी वीडियो में से क्या मिल रहा है ऑडियंस को, कुछ अच्छा सीखने को मिल रहा है, इन दी एंड आपकी वीडियो से क्या मैसेज जाता है उन्हें, क्या वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं आप अपनी ऑडियंस को। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके चैनल को सब्सक्राइब करें आपकी वीडियो देखने के बाद, तो एटलीस्ट उन्हें कोई ऐसी चीज तो आपकी वीडियो से मिल रही हो ना जो वो चाहते हैं बेसिकली। अब उनमें से कुछ भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल ये तीन चीजें हमारी वीडियोस में जरूर होती हैं, एंटरटेनमेंट होती है, एजुकेशन होती है या इमोशन होता है, इन तीनों में से कुछ भी नहीं है तो वो क्यों करेंगे आपके चैनल को सब्सक्राइब। एटलीस्ट वजह होनी चाहिए ना सब्सक्राइब करने की, तो क्यों करेंगे वो आपके चैनल को सब्सक्राइब। और एक और बात बताऊं आपको मैं, आपके चैनल की ग्रोथ स्लो हो सकती है, बट कभी भी स्लो ग्रोथ इज नॉट इक्वल टू नो ग्रोथ, इसीलिए परेशान ना हुआ करें, स्लो ग्रोथ को अप्रिशिएट किया करें। अगर आपके चैनल पे आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली सब्सक्राइबर्स या व्यूअर्स बढ़ रहे हैं, ऑडियंस आ रही है, तो आप इसको अप्रिशिएट किया करें। इसी से आगे जाके आपका चैनल एक दिन बहुत अच्छा चलेगा, ग्रो हो जाएगा, बहुत अच्छे खासे व्यूज आप लेने लगेंगे। ठीक है, इट डिपेंड्स ऑल ऑन योर कॉन्टेंट, ऑन योर डेडिकेशन, ऑन योर वर्क।
ऑन योर हार्ड वर्क बेसिकली. जब भी कोई एक स्ट्रगलिंग यूट्यूबर इस ऐसे फेज में होता है जहाँ पे उसे कुछ भी आउटपुट नहीं मिल रहा होता, तो नॉर्मली वो ब्लेम किसको कर रहा होता है? तीन चीजों को ब्लेम करता है, ठीक है. तीन में से सबसे पहले आती है ऑडियंस, नंबर सेकंड पे आता है यूट्यूब, थर्ड पे आते हैं हम खुद. और अपने आप को कौन बुरा कहता है, अपने आप को कौन इल्जाम देता है? कोई नहीं देता. सो लेट्स टॉक अबाउट द नंबर वन थिंग विच इज ऑडियंस. ऑडियंस को ब्लेम कैसे करते हैं हम? दे आर बींग सेल्फिश समटाइम्स. अब क्यों ऐसा तो है, डेफिनेटली ऐसा क्यों? अगर आप भी ऑडियंस रहे, आप भी लोगों के चैनल को देखते हैं यूट्यूब में, काफी सारे चैनल को हम देख रहे होते हैं, तो आपको पता ही होगा कि वाकई ऑडियंस सेल्फिश होती है. वो इसलिए क्योंकि दे नीड समथिंग. They need something from your video. They need the reason basically to watch your video. अगर उनके पास कोई reason नहीं होता, जो मैं आपको already बता चुकी हूँ कि education, emotion, entertainment, कोई ऐसी चीज जो वो देखना चाहते हैं, अगर आपकी वीडियो में नहीं होगी तो definitely बिल्कुल भी नहीं देखेंगे आपकी वीडियो, छोड़ के चले जाएंगे, क्लिक भी करेंगे अगर thumbnail के धोखे में आके, तो आपकी वीडियो को वॉच नहीं करेंगे. They're gonna leave your video, छोड़ देंगे, एंड आपका चैनल फ्लॉप हो जाएगा. ऑब्वियसली सी बात है. हम उन्हें कंपेल नहीं कर रहे कि आपको हमारी वीडियो को देखना है. उसमें कोई ऐसा कंटेंट ही नहीं है, कोई ऐसी चीज ही नहीं है जो ऑडियंस रुक जाए. क्योंकि जिनकी वीडियोस वो देखते हैं उसमें भी तो कुछ होता है ना, उसमें यही होता है, या एजुकेशन होता है या ऐसे इमोशंस होते हैं. इमोशंस इज रियली इंपॉर्टेंट एक्चुअली इन योर नॉर्मल वीडियो पे भी. अगर आप इमोशनलेस वीडियो बना रहे हैं, नोबडी इज गोना वॉच यू. मतलब मैं नहीं समझती कि लोग आपको देखेंगे ज्यादा. गिव अ रीजन सो दे कैन वॉच योर वीडियो, दैट्स इट. वी आर ऑडियंस, हम ऑडियंस है बेसिकली. हम भी तो लोगों के चैनल देख रहे होते हैं, तो मैं भी यही देख रही होती हूँ. द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज यूट्यूब. यूट्यूब को हम कैसे ब्लेम करते हैं? यूट्यूब कैसे ब्लेम करते हैं कि हम कहते हैं यूट्यूब हमारे कॉन्टेंट को आगे नहीं भेजता, यूट्यूब आगे रिकमेंड नहीं करता, और यूट्यूब जो है वो इंप्रेशंस नहीं दे रहा होता. इंप्रेशंस देता है तो व्यूज हमारे नहीं आ रहे होते, तो हम यूट्यूब को इस तरह से ब्लेम कर रहे होते हैं. बट हम ये नहीं देख रहे होते कि गलती हमारी कहाँ कहाँ है. हम अच्छा सा टाइटल नहीं लगाते, हम थंबनेल अच्छा सा अट्रैक्टिव सा नहीं बनाते, जो समझ में आया बना देते हैं. तो जाहिर सी बात है यूट्यूब ऐसी वीडियोज को आगे रिकमेंड नहीं करता जिसमें ऑलरेडी नो इंटरेस्ट शो हो रहा हो, ठीक है. इसके अलावा हम क्या कर रहे होते हैं, अपनी SEO पे हम तवज्जो नहीं दे रहे होते, और हम फिर YouTube को ब्लेम करते हैं कि हमारी वीडियो को आगे रिकमेंड नहीं करता. तो ऑब्वियसली सी बात है, लुक एट योर फॉल्ट्स फर्स्टली, देन आप किसी और को ब्लेम करें. पहले ये चीज़ थर्ड पे मैं आ गई हूँ डायरेक्टली. थर्ड यानी कि हमें अपने ऊपर जो हम ब्लेम करते हैं, बिल्कुल सही करते हैं, हमें अपने ऊपर फोकस करना चाहिए भाई. हमें अपने गैजेट्स पर फोकस करना चाहिए. अगर आप YouTube से अर्निंग कर रहे हैं तो यू शुड स्पेंड सम मनी ऑन योर चैनल, अपने चैनल को ग्रूम करने के लिए. आप या तो किसी माइक पे पैसे खर्च कर लें या अपनी लाइटिंग पे पैसे खर्च कर लें, तो फोकस करें और चेंजिंग लेकर आए अपनी वीडियो में, अपने कॉन्टेंट में. डू नॉट बींग सो सेल्फिश कि आप जो है वो ऑडियंस को जो वीडियोज प्रोवाइड कर रहे हैं उसके साथ साथ आप अगर पैसे भी कमा रहे हैं तो आप उसको लगा नहीं रहे. तो ये थी आज की वीडियो. आई होप कि आपका दिल नहीं टूटा होगा, बट ये कि हमें अपने ऊपर तवज्जो देने की बहुत ज्यादा जरूरत है. वी नीड टू फोकस ऑन आवर सेल्फ रादर देन ब्लेमिंग टू अदर सिचुएशन लाइक ऑडियंस को, यूट्यूब को. मेक योर कॉन्टेंट लाइक दैट सो दे कैन वॉच योर वीडियोज टू, ठीक है. दैट्स इट फॉर टुडे. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. कमेंट सेक्शन पे तो मुझे जरूर बताना है आज की वीडियो के बारे में. नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ. अल्लाह हाफिज़.